ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद्गीता अध्याय तीसरा श्लोक संख्या 24। उत्सी देयुरिमे लोका न कुरिया न कुरियाम कर्म चेदहं शंकरस्य च कर्ता स्यामोह अहन्यामिना। प्रिया, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी कि वर्ण संकर उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। जैसे कि हम कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि किस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति भी अपने नियत व्यक्ति कार्य जरूर करता है, ऑल्दो उसको करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवान ऐसे जीवों को मुक्त कर देते हैं और वो हर प्रकार के कार्य करने से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि निरंतर भगवान के चिंतन में भजन में रहते हैं। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन लोगों के लिए होता है कि कुछ काम कर लें तो बेटर है, क्योंकि यदि कुछ नहीं करेंगे तो तमोगुण में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ लोग दिखाते हैं कि कैसे कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है और बाकी लोग उनका अनुगमन करते हैं। हमने बड़ा डिटेल में सुना कि किस प्रकार से कुछ रिचुअल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई वैदिक आधार नहीं होता है, जिसको हम अंधविश्वास कह देते हैं। जिस चीज़ का वैदिक आधार नहीं है वो अंधविश्वास कह सकते हैं, लेकिन जो वैदिक आधार के आधार पर है लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी हम कर रहे हैं, उसको हम अंधविश्वास नहीं कहते हैं। ध्यान रखिए, कई सारे ऐसी वैदिक चीज़ें होंगी जो हमें समझ में नहीं आती हैं लेकिन हम करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों से आ रही हैं और शास्त्र भगवान की वाणी है। समझ में आए ना आए उसको कर देना ही बेहतर है। ऐसे रिचुअल फॉलो करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ना चाहते हुए भी इसमें हम बहुत सारे सही काम कर लेते हैं और उसका फ़ायदा ज़रूर होता है। जैसे कि दवाई अगर हम खाते हैं, यदि हमें मालूम नहीं है कि ये दवाई अंदर जाके कौन से केमिकल में क्या मिक्स करेगी, फिर भी वो लाभ दे ही देती है पूरी जानकारी के बिना भी, अगर प्रमाणिक डॉक्टर ने दी है। यदि प्रमाणिक डॉक्टर की दवाई नहीं है उसको खा लिया जाए तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से हम अंधविश्वास और शास्त्रों पर विश्वास, इन दोनों में भेद करते हैं। शास्त्रों में विश्वास को हम अंधविश्वास बिल्कुल नहीं कहते हैं, चाहे उसका लॉजिक हमें ना भी समझ में आ रहा हो। जैसे कि अपने पिताजी की बात पर बच्चा एज इट इज़ फॉलो कर लेता है, उसको पता नहीं कि पिताजी सही कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, बट वो उसके भले के लिए होता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों की बातों पे यकीन करना, विश्वास करना, इवन दो वी आर नॉट हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम अंधविश्वास नहीं कहते। तो ऐसे रिचुअल को फॉलो करना बहुत अच्छा है। और भगवान यह कहते हैं यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? सब कुछ सारे लोग क्या करने लग जाएंगे? मेरा अनुकरण करने लग जाएंगे, अनुसरण करने के बजाय। तो हमने सुना दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये था कि एक में भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, और एक में जैसे शिव जी प्रचेतास को बोलते हैं तुम्हें कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, और शिव जी ऐसा कई जगह बोलते हैं शास्त्रों में। लेकिन जो धूर्त लोग हैं वो शिव जी की नकल मार के नशा करते हैं, कहते हैं हमारे शिव जी भी पीते हैं हम भी पियेंगे, इस तरह की फोटो छा देते हैं शिव जी की। ऐसा कोई वैदिक साहित्य में कहीं ऐसा नहीं दिखता कि शिव जी जो है चिलम पीते हैं। शिव जी ने विष जरूर पिया था भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यदि आप चिलम पीने में इतना सुख प्राप्त करते हैं तो क्यों ना थोड़ा सा विष भी पिया जाए शिव जी की तरह, क्यों ना उसका भी अनुकरण किया जाए। तो हम तो अनुकरण भी सेलेक्टेड करते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम उसकी चेरी पिकिंग, सुना आपने वर्ड चेरी पिकिंग, जो अच्छा लगता है। प्रभु जी ने आज आधा घंटा कुछ बोला उसमें से दो बातें बड़ी अच्छी बोली, इसका मतलब बाकी चार बेकार बोली, क्योंकि वो बाकी चार मेरे बस की नहीं है या मैं नहीं करना चाहता, मज़ा नहीं आया। हाँ ये वाली बात बहुत अच्छी लगी, ये वाली बात बहुत, कई बार ये वाली बात आपकी बहुत अच्छी लगी। तो उस तरह से जो व्यक्ति अनुसरण नहीं करता है वो सेलेक्टेड चेरी पिकिंग करता है या वो नकल मारता है। हाँ, और इसी कारण भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं सही नहीं करूँगा तो दुष्ट है, जानते नहीं हैं कि गुरु की वाणी भी इंपॉर्टेंट है, गुरु डांट के बता रहा है ऐसा करो, लेकिन ये मेरा अनुकरण करना चाहते हैं, नकल मारना चाहते हैं, इसलिए ये लोग नष्ट हो जाएंगे। अवांछित जन समुदाय पैदा हो जाएगा, ऐसा जन समुदाय जो नियमों का पालन ना करे, ऐसा जन समुदाय पैदा हो जाएगा। लोग अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ करेंगे, जानवरों की तरह रहने लग जाएंगे और इस तरह से समाज का पतन हो जाएगा।
और मैं पूरे समाज में प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। ऐसे समाज में शांति नहीं रहेगी जहाँ पे वैदिक धर्मों का नियमों का पालन ना किया जाए, ऐसी जगह में कभी क्या नहीं रहेगी, कभी शांति प्राप्त नहीं होगी, अशांति रहेगी। इसका मतलब भगवान कह रहे हैं ऐसी जगह में हमेशा अशांति होगी जहाँ वैदिक नियमों का पालन नहीं होगा। तो एक लीडर का बहुत बड़ा दायित्व है। हम भी घर के अंदर लीडर हैं, जैसे हम अक्सर डिस्कस करते हैं अपने बच्चों के, अपने परिवार के। यदि हम, बड़ा हैरानी की बात है, आपको यकीन भी नहीं होगा, आपको पता भी नहीं होगा कि बच्चे कितना सीखते हैं ऑब्जर्व करने से, और हमें पता ही नहीं चलता कि बच्चे सीख रहे हैं। कितने लोग मुझे कैसी कैसी कहानियाँ बताते हैं कई बार कि हमने सोचा भी नहीं था प्रभु जी कि ये बच्चा सुन रहा होगा, अचानक से इसने किसी ने ऐसी बात बोल दी, हम देख के हैरान रह गए, अभी तो सुन रहा था। तो हम बड़ी कैजुअली अगर अपने घर में जप करते हैं तो हमारा बच्चा जो कि अभी 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, आपके ना जानते हुए भी सीख रहा है कि कैसे कैजुअली जप करा जाता है, कैसे चलते फिरते काम करते हुए जप किया जाता है, कैसे गप्पे मारते हुए जप किया जा सकता है, कैसे फोन पे बात करते हुए जप किया, कैसे वो उंगली निकलती है ना हमारी बाहर, ऐसे समझ गए आप क्या होती है द मीनिंग ऑफ दिस मोबाइल, मोबाइल जपा तो ये उंगली बाहर निकली है ना, बाकी अंदर है, तो ये उंगली कीपैड पे बटन मार रही है, टच कर रही है, और बाकी उंगलियां चैंट कर रही है। तो बच्चा देख रहा है, ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, अच्छा ऐसे जब कर सकते हैं, ऐसे जब कर सकते हैं। और जब उसकी उम्र होती है, जब वो 5वीं 6वीं साल में आता है, हमारे गुरुकुल में आता है, उसको जब करने बैठाया जाता है और जब नहीं करता, तब माता पिता बड़े परेशान, जब नहीं कर रहा है प्रभु जी, मारो इसको प्रभु जी, पीटो इसको प्रभु जी। क्या हुआ उसको मारने पीटने से, उसकी तो आपने ऐसी चरित्र बनाया, आपने तो बनाया। तो जो बुरी आदतें हैं वो सीख रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं लीडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मन नहीं कर रहा है जप करने का, फिर भी हमें जप करना है, आप जानते हैं इस बात को। ऐसा नहीं कि किसी दिन जप में टेस्ट आएगा। हाँ, हम कहते हैं ना ऐसा है कि जब भगवान का नाम लेते हैं तो कृष्णा इज डांसिंग ऑन योर टंग, हाँ तो आप कहोगे तो स्वाद आएगा इसका मतलब। अगर कृष्ण डांस नहीं कर रहे हैं तो प्रभु जी 16 माला क्यों नहीं करते, एक ही माला करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा, एक ही माला में टेस्ट आ रहा है प्रभु जी, उसके बाद टेस्ट ही नहीं आता है। तो ये गुलाब जामुन नहीं खा रहे हो आप लोग, हाँ आप माला कर रहे हो, और क्योंकि हमारे चित्त में अभी मैल है इसलिए माला का टेस्ट नहीं आएगा। उस मैल को भगाने के लिए तो माला करनी है, मन करे नहीं तैरे तो भी माला करनी है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को दिखाते हो कि बेटा देख मैं बीमार था, बेटा मेरे को 104 बुखार था, बेटा देख रहा है, बताने की जरूरत नहीं है, बेटा देख रहा है कि पापा को 104 बुखार था फिर भी पापा ने जप किया। बिना बताए आप अपने बच्चे को ट्रेनिंग दे रहे हो, उसी तरह से गुरु अपने शिष्यों को ट्रेनिंग दे रहा है, उसी तरह से कोई महात्मा संत अपने सारे फॉलोअर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, तो दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग लास्ट 3-4 श्लोकास जो आज भी कह रहे हैं। ऐसे हमें ट्रेनिंग देनी है, ध्यान रखना है, ना चाहते हुए भी हम बच्चे घर में पति पत्नी बैठे हैं और बात कर रहे हैं, किसी फेस्टिवल से आए, गुरु महाराज की व्यास पूजा से आए, जन्माष्टमी उत्सव से आए, आ देखा था उसको क्या पहन के आ गई थी, पागल सी लग रही थी एकदम, क्या पहन, हाँ मैंने भी देखा ऐसे। अब आप लोगों को मालूम ही नहीं है कि आपकी संतान वहाँ बैठ के अपना काम कर रही है क्लास का, आप सोच रहे हैं वो काम कर रही है और वो इसको ऑब्जर्व कर रही है। इसलिए फॉल्ट फाइंडिंग यदि आप करते हैं तो आप एक गलत लीडर होने का एक लक्षण दिखा रहे हैं, ना चाहते हुए भी आप नीचे वालों को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे दूसरों की बुराई की जाए। इसलिए यदि पहली तो बात तो मन में आना ही नहीं चाहिए, यदि मन में कुछ आता भी है तो किसी से भी मत पूछिए। कहते हैं ना कि हवा दीवारों के भी कान होते हैं, डोंट टॉक टू एनीबडी, इंटरनली उसको करेक्ट करने का प्रयास कीजिए या गुरु के पास जाइए। इस प्रकार से हमने बताया कि यदि आप गलत आचरण करते हैं तो जाने ना अनजाने आप अपने शिष्यों को, पुत्रों को, पुत्रियों को, टीचर एज ए स्टूडेंट्स को, सबको एक गलत आचरण सिखा रहे हैं ना सिखाते हुए भी। यही भगवान कह रहे हैं कि यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाएंगे और हम सब भी नष्ट हो जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कि सामाजिक अशांति को रोकने के लिए अनेक विधि विधान हैं जिनके द्वारा स्वतः ही जनता आध्यात्मिक प्रगति के लिए शांत और सुव्यवस्थित हो जाती है। यानी कि हम यदि वैदिक नियमों का पालन करेंगे तो सारी प्रगति भी होगी, शांति भी होगी, सब सुव्यवस्थित हो जाएगा। जब भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो स्वाभाविक है कि वे ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रतिष्ठा और अनिवार्यता बनाए रखने के लिए इन विधि विधानों के अनुसार आचरण करते हैं। और श्रीमद् भागवत इसकी पुष्टि करता है 10.33, 30 एंड 31 में,
मनुष्य को भगवान तथा उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए, यानी कि हमें अनुकरण कभी नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान का अनुकरण तो गुरु का भी अनुकरण नहीं करना चाहिए, गुरु भी जो बोले उसको करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम बता रहे हैं कि शक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेशों का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं, कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उसको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण ना करे। उसे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए। क्या पिए, पिएगा ही नहीं वो। हाँ, जैसे मैंने बोला, सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकते। शिवजी ने सागर तक के विष को पान कर लिया, किंतु यदि कोई सामान्य व्यक्ति विष की बूंद भी पी लेता है तो मर जाता है। शिवजी के अनेक छद्म भक्त हैं जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिवजी का अनुकरण करके वो मृत्यु को निकट बुला रहे हैं, बल्कि मृत्यु का नरक को नीचे निकट बुला रहे हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त हैं जो भगवान की रास लीला प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं। आप कहेंगे हम तो नहीं करना चाहते, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे चारों तरफ भागवत कथा के नाम पर रास नृत्य की ही कथा कराई जा रही है। यानी कि डूज एंड डोंट्स तो बताए नहीं जा रहे, नियमों के बारे में बताया नहीं जा रहा, केवल यही चीज़ बताई जा रही है। तो क्यों नहीं वही दिमाग में एक दिन आई जाएगी, जब वो भगवान की इन लीलाओं को इतनी सहजता से लेंगे। देखिए, हम लोग जब वैष्णव सिद्धांत में कोई लीला भी बताई जाती है ना, अगर साधारण सी लीला भी, हम देखते हैं माता ने बच्चे को बांध दिया उखल से। हमारे आचार्य उन लीलाओं के अंदर भी इतनी शिक्षाएं दे देते हैं कि कभी उसमें सहजता आती नहीं है। गोवर्धन उठाने में, रास नृत्य करने में, हर चीज़ में, वस्त्र हरण करने में हमारे आचार्य इतनी शिक्षाएं दे देते हैं कि हमारे दिमाग में कभी सहजता नहीं आती है। और साधारणता जब ये सुने जाते हैं समाज में तो बिल्कुल धीरे धीरे एक रोचक कहानियाँ लगती हैं। हाँ, इसलिए लोग फिर उनका अनुकरण करना चाहते हैं, ना चाहते हुए उनके दिमाग में वही सब फीलिंग्स आने लगती हैं। अतः सबसे अच्छा तो यही होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करें। बहुत साल पहले एक पिक्चर आई थी, आज का अर्जुन समथिंग लाइक दैट, और उसमें एक पोस्टर लगा था जिसमें जो हीरो ने चक्र को, पहिए को ऐसे पकड़ रखा था, जस्ट लाइक कृष्णा, जैसे कृष्णा पहियों को पकड़ के भागते हैं, समझ लो। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब हम इन लीलाओं को बहुत कैजुअली लेते हैं, तो इंसान के अंदर एक नेचुरल डिज़ायर आती है, आई कैन ऑल्सो डू दिस। तो ये बड़ा खतरनाक है अनुकरण करना, इसलिए बताया जा रहा है कि अनुसरण कीजिए संत महात्माओं का। अतः सबसे अच्छा तो होगा कि लोग शक्तिमान का अनुकरण ना करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें, ना कि नहीं बिना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार हैं जिनमें भगवान की शक्ति नहीं होती, हाँ, और अपने आप को अवतार बोलते हैं। तो इसलिए हमें क्या ध्यान रखना है, हमें वैदिक नियमों का बड़ी सख्ती से पालन करना है, हमें गुरु की आज्ञा का बड़ी ईमानदारी से उसका पालन करना है, और इस तरह से हमें अपना आचरण भी बड़ा ध्यान से रखना है, क्योंकि हमारे भी कुछ छोटे बच्चे होंगे, हमारे से भी कुछ लोग इन्फ्लुएंस होंगे। आपको भी आपने भी किसी को भक्ति के पाथ में लगाया होगा, आपके गलत आचरण से वो भी गलत भटक जाएंगे। तो इसका बड़ा ध्यान रखें, हर आदमी को बड़ा ही एग्जॉल्टेड बिहेवियर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप तैयार हैं इसके लिए? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद्गीता की जय।